हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सीआईटी ट्यूटोरियल्स के आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो आप कैसे डिस्प्ले कर सकते हो अपने टास्क बार में, जो कि राइट साइड यहाँ पे आप कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये है क्या। तो अपने इंटरनेट स्पीड को मॉनिटर करने के लिए हम थर्ड पार्टी टूल का मदद लेंगे, जिस टूल का नाम है नेट स्पीड मॉनिटर। ये टूल क्या करता है, एक बेसिक सा लाइट वेटेड टूल है जो कि आपको अपने इंटरनेट की स्पीड की जो बैंडविड्थ है वो मॉनिटर करने में हेल्प करता है। इस टूल की मदद से आप काफ़ी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि आपको अगर इंटरनेट स्पीड बाइट्स में देखना है, बिट्स में देखना है, या फिर एमबी में देखना है, केबी में देखना है, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारी अलग अलग फीचर्स हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर विजिट कर लेना। मैं ये URL आपको अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। आपको सिंपली इस वेबसाइट में आकर के यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपने डाउनलोड पर क्लिक करोगे आपके पास दो ऑप्शन आएगा, 64-bit और 32-bit के लिए। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64-bit का आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32-bit का है तो x86 आर्किटेक्चर के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो जब आप ये टूल सक्सेसफुली डाउनलोड कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सेटअप सा दिखेगा। जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे इंस्टॉल करने के लिए तो ये आपको एक मैसेज देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट सपोर्टेड, XP विंडोज सर्वर 2003, विंडोज विस्टा एंड विंडोज 7, और ये सेटअप बंद हो जाएगा। तो इसको अपने विंडोज 10 या विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेटेबल बनाने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो, चले जाओ प्रॉपर्टीज़ में। तो जैसे ही आपके प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगा यहाँ पे, इसके बाद आपको एक कंपेटेबिलिटी टैब दिखेगा, कंपेटेबिलिटी टैब में आ जाओ। आपको कंपेटेबिलिटी टैब में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है रन दिस प्रोग्राम इन कंपेटेबिलिटी मोड। इससे क्या होगा, ये आपके विंडोज़ 10 जो आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला रहे हो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये टूल सिर्फ विंडोज़ पर ही चलता है क्योंकि ये एक सी फाइल है इसलिए। तो आपको उसके बाद डबल क्लिक करना है इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करने के लिए। अब देखो यहाँ पे आपको कोई सा भी मैसेज नहीं मिलेगा एरर का, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं टूल को। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है हमारा टूल। ओके, जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा कि क्या आप अपने टास्क बार में मॉनिटर करना चाहते हो। अगर आप यस कर दोगे तो ये मॉनिटर होना स्टार्ट हो जाएगा, नो करेगा तो आपको मैनुअली फिर से ओपन करके करना पड़ेगा। तो इसे मैं फिलहाल यस कर लेता हूँ, एंड यस करते ही आपके सामने देखो कुछ फ्रेंड्स ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा कि आपको कौन से लैंग्वेज में करना है। आपको जो भी लैंग्वेज आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, 4-5 लैंग्वेज इन्हें दे रखी है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं इंग्लिश पे ही लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश में ही चाहिए। एंड आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये इंटरफेस कार्ड है अभी जिससे मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ वाईफाई के थ्रू, तो मैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है डिवाइस मैनेजर। तो फ्रेंड्स आपका जब डिवाइस मैनेजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे सर्च करना अपने नेटवर्क एडाप्टर। तो यहाँ पे मैं नेटवर्क एडाप्टर पे क्लिक करता हूँ। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे दो ब्लूटूथ डिवाइस का यहाँ पे दिखा रहा ऑप्शन चुकी, और जो इंटरनेट के लिए है ये एक ही है इंटरफेस कार्ड नेटवर्क का जो कि इंटेल का बाय डिफॉल्ट है, जिसको कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। अगर आपके पास अलग से कोई वाईफाई अडेप्टर यूज़ कर रहे होंगे अगर आप, तो उस टाइम पे जो भी आप इंटरफेस कार्ड यूज़ कर रहे हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। चूँकि मेरे पास एक ही है तो मैंने अभी इसे एक ही सिलेक्ट करा जिससे मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। तो इसे मैं वापस से बंद कर देता हूँ और क्लोज़ कर देता हूँ। अब चलिए देखते हैं, हम ये अपने इंटरफेस कार्ड हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया है। ट्रैफिक लॉगिंग, हाँ हमें लॉग बनाना है अभी, SQLite का यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। चलो मैं इसे अभी रख देता हूँ ऐसे ही, ये डॉट डेटाबेस के DB के फॉर्मेट बना के रख देगा, और ये लोकेशन आपका है जहाँ पे ये लॉग्स क्रिएट करेगा। तो इसे मैं बाय डिफॉल्ट अभी ऐसे ही सेव कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप फ्रेंड्स सेव करोगे इसे, आपका जो इंटरनेट स्पीड है मॉनिटर होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, जो मेरा अपलोडिंग स्पीड है वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे इसके ऊपर आप माउस होवर करोगे आपको एक चीज़ मैसेज देखने के लिए मिलेगा कि आपका इंटरनेट स्पीड सेंड कितना हो रहा है और रिसीव कितना हो रहा है। इसकी इस टूल की खास बात ये है फ्रेंड्स कि आपने जितने सिस्टम जितने टाइम से सिस्टम ऑन कर रखा है और जब से ये मॉनिटर कर रहा है तब से ये पूरा स्पीड आपको बताएगा यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मंथ वाइज 9 लिखा है, टुडे और सेशन, ये सिंपल सा मतलब फर्स्ट सेशन है मेरा, मतलब मैंने अभी तक सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं किया है, दोबारा से नहीं चलाया है।
मैं डायरेक्ट सिस्टम चला रहा हूँ इसलिए सेशन में भी 9 आ रहा है। और ये बाई डिफॉल्ट जो स्पीड है वो मंथ की और टुडे की 9 बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप अगर मॉनिटरिंग ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर दो। ऑफ करते ही आपका मॉनिटरिंग यहाँ से बंद हो जाएगा। आप यहाँ से डाटा ट्रैफिक देखना चाहते हो तो डाटा ट्रैफिक क्लिक करके देख सकते हो। पूरे मंथ का आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे मंथ में क्लिक कर दो और उसके हिसाब से आप पूरे मंथ का एक्सपोर्ट कर सकते हो, इम्पोर्ट कर सकते हो। और मैं इसे भी फिलहाल के लिए क्लोज कर लेता हूँ। चलिए कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। आपके कितने सारे कनेक्शंस हैं कंप्यूटर के साथ वो यहाँ पे दिखाएगा। एंड में आता हूँ जो हमारी काम की चीज़ है वो कॉन्फ़िगरेशन फिलहाल। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन में आप अगर कोई एडाप्टर यूज़ करते हो बाद में तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो उस एडाप्टर में कितनी बैंडविड्थ जा रही है। एंड बिटरेट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको किलोबाइट्स में मिल जाएगा पर सेकंड, तो किलोबाइट्स में है। एमबी में आप सिलेक्ट कर सकते हो, एमबी पर मिनट सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप एक एडिशनल सेटिंग कर सकते हो यहाँ से सेट मॉनिटरिंग ऑन और ऑफ का, या फिर इसमें और जो भी ऑप्शन चेक फॉर अपडेट्स का भी कर सकते हो। आप अपडेट के बाद करना तो अपडेट के टाइम करना चाहते हो वो सभी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से आप, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। एंड हम अगर लेआउट की बात करें तो हम लेआउट पे क्लिक करते हैं। ओके, लेआउट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करने को मिल जाएगा। अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो जो भी सभी फॉन्ट चाहिए। मैं तेहो में सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड मैं फॉन्ट जो साइज़ है वो 10 रखता हूँ फिलहाल। एंड एनालिस्टिक नॉन एनालिस्टिक क्लेटर मैंने ऐसे इसे एनालिस्टिक पे छोड़ देता हूँ। जो कलर है मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे कलर भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, मैं कलर बाय डिफॉल्ट ग्रीन कर लेता हूँ। ओके, एंड देन आपको अगर बोल्ड में है लेटर चाहिए तो बोल्ड में आ जाएगा यहाँ पे। मैं इसे बोल्ड नहीं नॉर्मल रहने देता हूँ। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा किस भी कॉर्नर में आप रखना चाहते हो, जो पोजीशन क्या है उसका, राइट साइड लेफ्ट में से सेंटर में ही रखता हूँ अभी फिलहाल। एंड मिडिल में ठीक है। बैंडविड्थ वैल्यू यहाँ पे लिख रखा है तो मैं इसे 8 पे कर देता हूँ। डाउनलोड के भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर डाउनलोड का डी रखना चाहते हो लेटर, डी कर दिया, अपलोड का यू कर दिया। उसके बाद आप जो भी सेटिंग करोगे सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करते ही जो भी आपने चेंजेस करे हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसे मैं दोबारा से एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद आपका डाटाबेस सेटिंग्स है, तो यहाँ पे अगर आप लॉग्स कहीं और भी क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंड टूल टिप में पर यूनिट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, एमबी में चाहिए जीबी में। एंड अगर आप रिसेट करना चाहते हो सारी सेटिंग्स को तो यहाँ से रिसेट भी कर सकते हो। जैसे मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये था, इस तरह से आप अपने नेटवर्क मॉनिटर कर सकते हो कितना बैंडविड्थ आपको आ रहा है या फिर जा रहा है अपने सिस्टम से। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही टेक्निकल और न्यू ट्रिक्स टिप्स के लिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।